जब से खबर सामने आई है कि साथ निभाना साथिया 2 में जल्द ही रूपल पटेल का किरदार खत्म होने वाला है, फैंस लगातार शो में उन्हें बनाए रखने की डिमांड कर रहे हैं। खबरें तो यहाँ तक सामने आई कि खुद मेकर्स भी नहीं चाहते कि रूपल शो को छोड़े और वो भी लगातार उन्हें शो में बनाए रखने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं देवोलीना ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रूपल की एग्जिट पर दुख तो जताया ही था, साथ ही साथ ये भी कहा था कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो फ्यूचर में शो में जरूर लौटेंगी। लेकिन खुद रूपल की इस बारे में क्या है राय? क्या फैंस और ऑडियंस का प्यार उन्हें शो में वापसी करने पर मजबूर कर देगा? क्या फैंस की लगातार डिमांड पर वो शो को छोड़ने का मन बदल देंगी? तो इस बात का जवाब खुद रूपल पटेल ने ही क्लियर कर दिया है कि वो शो में कमबैक करेंगी या फिर नहीं। जी हां, एक इंटरव्यू के दौरान जब रूपल से ये पूछा गया कि क्या शो में उनकी वापसी की कोई उम्मीद है, तो इस सवाल का जवाब देते हुए रूपल ने कहा, मैं साथ निभाना साथिया में कोकिला मोदी का किरदार निभाने की अपनी जर्नी पूरी कर चुकी हूँ। मैंने 8 साल तक इस किरदार को जिया है। मैंने अपने किरदार की एक एक शेड को जिया है। मैंने 9 के 9 रस जी लिए हैं। सच कहूँ तो इस किरदार को करने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। इसने अपना जीवन जिया है और अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। हालांकि ये एक फ्रूटफुल जर्नी थी। रूपल के इस जवाब से साफ है कि वो कोकिला के किरदार को फिर से नहीं निभाना चाहती और उनके पास इस किरदार में कुछ नयापन लाने के लिए कुछ बचा भी नहीं है और इस वजह से वो अब शो में कभी नजर नहीं आएंगी। वेल, रूपल के इस बयान को सुनकर यकीनन उनके फैंस और शो में कोकिला के किरदार को पसंद करने वाली ऑडियंस को झटका जरूर लगा होगा। आपको बता दें कि ऐसी खबरें हैं कि रूपल साथिया 2 की स्टोरी से सेटिस्फाई नहीं थी और इस वजह से वो दूसरे सीजन का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मेकर्स की रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने शो को करने के लिए हामी भर दी, लेकिन सिर्फ कुछ एपिसोड्स के लिए ही। और अब जब रूपल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है तो जल्द ही रूपल की शो से एग्जिट होने वाली है, जिसको लेकर रूपल काफी खुश भी हैं और फैंस से जिस तरह उन्हें प्यार मिल रहा है उसे लेकर भी। हालांकि अब देखना तो ये है कि रूपल की कमी को मेकर्स शो में कैसे पूरा करते हैं और क्या आने वाले दिनों में रूपल की गैर मौजूदगी का शो पर कोई असर पड़ेगा भी या फिर नहीं। क्या है आपकी राय, बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।